इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले पांच क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पांच क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं। 6 इज ऑल द क्वेश्चंस आर रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उनको सपोज कर लेते हैं कि एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इट हैज पार्शियल फ्रैक्शंस ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी। देन हम इसके एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। जो चीज हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है उसको खत्म कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते इस टर्म एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के साथ, तो हमारे पास सारी जो इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इस इक्वेशन में से हमने ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। जब हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी ए की, तो जो चीजें हमारे पास बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हमने खत्म कर देना, यानी कि हमने जब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस बी और सी को खत्म कर देना है। इसको खत्म करने के लिए जो चीज इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, जो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब अगर इन में से हम x माइनस ए दोनों में कॉमन आ रहा है, इस x माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास ये b और c जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। जब हम x माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू ए। ये जो x की वैल्यू है a, ये हम इस इक्वेशन में जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे a इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। बी भी खत्म हो जाएगा और c भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब यहां पे x की जगह पे a आएगा तो ये इसको जीरो कर देगा। तो बी भी खत्म हो गया और सी भी खत्म हो गया, और हमारे पास ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ए इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम b और a के साथ जो चीज कॉमन होगी उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसमें कॉमन है x माइनस सी, x माइनस सी को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू होगा a, तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी c इज इक्वल टू c ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीजें a और c में कॉमन है उनको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जब उनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी
b is equal to b over b minus a into b minus c. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की. इनको हम a, b और c की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1. अब अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो ग्रेटर है फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन के जरिए प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे. जब हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे कि 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के साथ, तो ये हमें रिजल्ट देगा 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसके फ्रैक्शंस बना लें तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ये आप एक्चुअल डिवीजन जो है ये आप खुद करेंगे और आप देखेंगे कि जब आप डिवीजन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट आता है. अब ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर पार्ट आ गया फ्रैक्शन का, ये वाला. अब हम इसी को रिजॉल्व करेंगे इन पार्शियल फ्रैक्शंस. अब एक्चुअल हमारे पास जो पार्ट है वो है 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. इसको अब हमने फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है. हम सपोज कर लेते हैं कि इसके जो फ्रैक्शंस हैं वो हैं a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1. डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को विद 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1. अब जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो चीज b से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें. 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो वहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 है इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1. जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम माइनस 1 बाय 2 पुट कर देंगे. यहां पे है 7x की जगह पे माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 बाय 2 माइनस 1. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a इज इक्वल टू 13 बाय 3. ये आप कैलकुलेशंस खुद कर लेंगे तो यही आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी. नेक्स्ट जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज a से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. यहां पे a से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है x माइनस 1. जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 1 पुट करेंगे
तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास आएगी b इज इक्वल टू 4/3। ये भी आप खुद करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये a वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, सिंपली ये b वाला पोर्शन रह जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पे 7x-3 रह जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास b की जो वैल्यू है वो 4/3 आ जाएगी। अब ये जो a और b की वैल्यूज हैं ये हम पुट करके अपना जो आंसर है वो ले आएंगे कि 6x³ + 5x²-7 / (2x²-x-1) इज इक्वल टू 3x + 4 + a की जगह पे 13/3 (13/2x+1)/3 + b की जगह पे 4/3 (4/3)(x-1)। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको प्रॉपर बनाने के लिए हमने एक्चुअल डिवीजन की, एक्चुअल डिवीजन के बाद जो हमारे पास प्रॉपर पार्ट आया फिर उसको हमने रिजॉल्व किया इन पार्शियल फ्रैक्शंस में। उसके सबसे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर लिए, देन उसके बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको दोनों साइड से खत्म करने के लिए बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया विद 2x+1 × x-1 के साथ, तो वहां पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उस इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को -1/2 पुट किया और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को 1 पुट किया। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई, वो हमने a और b की जगह पे पुट कर दी, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो हैं उनमें हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको बिल्कुल उसी तरीके से आप खुद सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है 1/(1-ax)(1-bx)(1-cx). इसको हमने रिजॉल्व करना है इन पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले बिल्कुल वही स्टेप्स हैं कि हम सपोज करेंगे कि इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो होंगे कि 1/(1-ax)(1-bx)(1-cx) इज इक्वल टू (a)(1-ax)(b)(1-bx)(c)(1-cx). उसके बाद इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एक बन जाएगी 1 = a ((1-bx)(1-cx)(b)(1-ax)(1-cx)(c)(1-ax)(1-bx)। उसके बाद हमने वैल्यूज फाइंड करनी है a, b और c की। जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज b और इस c के साथ कॉमन मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से 1-ax जो है ये दोनों के साथ कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब हम इस 1-ax को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पुट 1-ax इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1/a। ये जो x इज इक्वल टू 1/a है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू 1/a इन इक्वेशन
वन, जब एक्स की जगह पे वन ओवर ए पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। सिमिलरली जब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज़ ए और सी के साथ कॉमन मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए और सी के साथ कॉमन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वन माइनस बी एक्स। इस वन माइनस बी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी वन ओवर बी। जब हम एक्स इज इक्वल टू वन ओवर बी पुट करेंगे इन इक्वेशन वन तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी b इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की जगह पे 1 ओवर c पुट करेंगे और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब हमारे पास इसको हमने जो वैल्यूज आई हैं ए बी और सी की उसको यहां पे हमने पुट कर देना है तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ जाएंगे। सो वन ओवर वन माइनस ए एक्स इंटू वन माइनस बी एक्स इंटू वन माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू वन माइनस ए एक्स प्लस b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू वन माइनस बी एक्स प्लस यहाँ पे c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे दैट विल बी c स्क्वेयर ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू वन माइनस सी एक्स। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। इट हैज फ्रैक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब ये जो है ये हमारे पास लीनियर नहीं दिया गया, इसमें छोटा सा जो हम एक ट्रिक करेंगे वो ये करेंगे कि इस एक्स स्क्वेयर को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। लेट के मैं इसको वाई के इक्वल पुट कर देता हूं तो देन ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा y प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y प्लस बी स्क्वेयर इंटू y प्लस सी स्क्वेयर इंटू y प्लस डी स्क्वेयर। उसके बाद हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व किया। आई थिंक के अब आप खुद जो हैं वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि जिस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आपने किया। जब आप सॉल्व करेंगे, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा, सिंपली मैं वैल्यूज लिख रहा हूं जो आपके पास आएंगी ताकि आप खुद सॉल्व करके उनको कंपेयर कर लें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आएगी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और बी की वैल्यू आपके पास आएगी बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू
डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और सी की वैल्यू आपके पास आएगी ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। आप खुद इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे तो आपके पास यही जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी, और देन वो अब डेफिनेटली आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1।